सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के जरिए पास किया है, और जैसा कि होम मिनिस्टर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बतलाया कि भाई ये एक्ट के बाद फिर सारे कंट्री में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप के बारे में सर्वे होगा, और फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो तीन चीज़ें उन्होंने एक के बाद एक का जो जिक्र किया, वो इन कॉम्बिनेशन कंट्री के लिए ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ है, अंडर प्रिविलेज है और जो गरीब आवाम है, उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक और लीथल है। इस वजह से कि कंट्री का 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट, जब खुद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और साबिका एजुकेशन मिनिस्टर के पास अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो और बाद में फर्जी डॉक्यूमेंटेशन पेश किए जाते हैं, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि तो आप गरीब आवाम से जो इलिटरेट हैं उनसे क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनके वालिद के पैदाइश के डिटेल्स रहने की तवक्कु कर सकेंगे, ये खतई नामुमकिन है। और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में खास तौर से तीन मुस्लिम कंट्रीज का जिक्र किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और उसमें अखिलतों में से मुसलमानों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक्सक्लूड किया। ये भी बहुत ही खतरनाक बात है, और हिंदुस्तान के अहम के खिलाफ नेपाल, श्रीलंका, चाइना और म्यांमार के खवातीन को और में जो घंटा घर में जो प्रोटेस्ट कर रही है इन खवातीन को इस मर्दूद जंगली जानवर ने इस तरीके से कहा है, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसके खिलाफ केस दर्ज करवाए। हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए और कमिश्नर ऑफिस से यही गुजारिश और डिमांड करेंगे कि 509 IPC के तहत कमिश्नर ऑफिस पर ये कंप्लेंट दर्ज हो। कमिश्नर ऑफिस से भी मैं कमिश्नर साहब को भी एक क्या लॉजिक है, क्या बेसिस पे ये तीन कंट्रीज को चुना गया और बाहरी कंट्रीज को क्यों एक्सक्लूड किया गया, और ये पांच अखिलतों को क्यों चूज किया गया और मुसलमानों को क्यों एक्सक्लूड किया गया, इसका जवाब उनको होम मिनिस्टर से चाहिए। जब इस चीज के बारे में लॉ मिनिस्टर से भी मालूम किया गया उनके पास कोई जवाब नहीं, तो ये तमाम बैकग्राउंड के पीछे और हाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो आसाम में NRC की जो एक्सरसाइज की गई, उसे साफ जाहिर होता है कि तकरीबन 19 लाख के करीब लोगों को अपना मुल्की करार दिए हैं, इसमें से 15 लाख से ज्यादा वो कहते हैं कि आसामी, वो शायद बंगाली नॉन मुस्लिम है जो बांग्लादेश से है। ये बात भी बहुत खतरनाक है, इसलिए कि अगर ये 15 लाख को आप CAA के जरिए सीरियस देते हैं तो आसाम की जो तहजीब है और उनका जो कैरेक्टर और कल्चर है, आसाम समझते हैं कि ये 15 लाख बंगाली नॉन मुस्लिम उनके तमाम कल्चरल आइडेंटिटी को मुतासिर करें। वही वजह है कि ये CAA मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि हो सकता है कि हैदराबाद में जो खवातीन कंप्लेंट कर रही हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे घर के खवातीन जो है हमारी माँ बहनों को कुछ कह रहे हैं, ये हम तक आने की जुर्रत ना करिए। अब ये शाहीनबाग की लोगों को कहा है, शाहीनबाग की खवातीन को कहा है और लखनऊ की खवातीन को कहा है, तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि हमारे घर पर आ जाए और हैदराबाद, कर्नाटक, बैंगलोर का नाम लेकर कहे। ये जुर्रत करने से पहले इस जंगली जानवर को जो है IPC 509 के तहत इसको जेल में बंद करवा दिया जाए, क्योंकि इसने पहले भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ और जो है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ।